पर वेल्थ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जेपी पाल सर हैं और ये महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से सीएमओ की पोजीशन पे हैं। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन रहेगा सर से ये रहेगा कि बाय प्रोफेशन सर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बट यहाँ पे सीएमओ की पोजीशन होल्ड करते हैं, तो सर मुझे पहले ये बताएं, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले, कि ये जो जर्नी है सीए टू सीएमओ थोड़ा सा अजीब नहीं है, क्योंकि मैं भी बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और हमें डेटा ज़्यादा समझ में आता है और आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी प्लानिंग पे हैं। जी हिमांशु जी, ऐसा है कि हमने तो सीए किए थी अर्ली 1990s में। जी सर। तो उस समय मेरी पहली जो जॉब थी वो इंडस्ट्री में ही थी, अकाउंट्स एमआईएस की तरफ। ओके। तो बाद में हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कंपनी, यानी कि मैं कारवी में नौकरी करता था, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में थे, और हमारी जनरेशन जब ये ग्रेजुएट हो रही थी, और मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, और जब हम सीए कर रहे थे तो कैपिटल मार्केट्स उभर रहे थे इंडिया से। तो एक लगाव, एक पैशन आ गया था कैपिटल मार्केट्स की तरफ, और वही पैशन कहीं पे मेरी प्रोफेशन की तरफ मेरे को ले गया, जहाँ कि हमने वापस सेल्स ट्रेनिंग ऑन दी जॉब, ऑन दी फील्ड हमने सीखी, और ये जर्नी मेरी फाइनेंशियल मार्केट्स की करीबन 22-23 साल की है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मॉर्गन स्टैनली और एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट, ये सारे आपने ऑलरेडी, तो ये बहुत अच्छा है सर, हमारे फैटर्निटी में जनरली नहीं देखा जाता। खैर सर, आज मैं अगर बात करूँ तो आज आपने एक प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं, महिंद्रा टॉप 250 निवेश योजना, ये क्या है सर? एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है ये महिंद्रा टॉप 250 निवेश योजना। लार्ज मिड कैप कैटेगरी के अंदर इक्विटी फंड है ये, और ये मल्टी कैप फंड है, जैसे कि एक रूल बेस्ड हम बोलते हैं फंड है, जिसके अंदर कि हम कमिटमेंट दे रहे हैं इस फंड के अंदर कि कम से कम 35% हमारा निवेश इस फंड के जितना भी पोर्टफोलियो होगा लार्ज कैप में रहेगा, और 35% उसके बराबर का 35% मिड कैप में रहेगा, बाकी जितना भी करीबन 20-30% जो रेंज रहेगी, करीबन 30% उसके ऊपर नहीं, वो हम टैक्टिकल कॉल लेंगे कि लार्ज मिड स्मॉल कहीं भी लगा सकें इसके अंदर। तो आप कमिटमेंट क्या है कि साइकिल्स चेंज होते हैं मार्केट में, कई बार स्मॉल कैप चलता है, मिड कैप चलता है, लार्ज कैप चलता है, तो ये प्रोडक्ट में कमिटमेंट क्या है कि कम से कम 35% हर समय लार्ज कैप में रहेगा, यानी कि आप रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। चलिए बहुत अच्छा है सर। अगर मैं आपकी वेबसाइट की बात करूं, वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था जो मुझे बहुत अपील किया, कि आपने उस पे स्पेशली लिखा है कि जो आपका मोटो है, एक तो रूरल और सेमी अर्बन एरिया को फोकस करना, उसको आप कैसे, वहाँ के जो जनरेशन है, जो नया जनरेशन है, उसको आप कैसे कैटर और किस तरह की प्रोडक्ट ऑफरिंग दे रहे हैं उनको? हिमांशु जी, ऐसा है कि जब हमने कंपनी शुरुआत की थी तो उस विजन के अंदर, ये हमारी मैनेजमेंट की विजन है, कि विजन के अंदर अर्बन इंडिया तो कवर करना ही है, लेकिन सेमी अर्बन रूरल, जी जी, जो हमको लगता है कि हिंदुस्तान जैसे ग्रो कर रहा है, उसमें प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो वहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहाँ पे निवेश के ऑप्शन बहुत कम है। तो हमारा ग्रुप का ये मैंडेट है, और हम आज देखे जाए तो हिंदुस्तान जो हम कहते हैं उस इलाकों में, हम सब जगह हमारा ब्रांड कोई ना कोई प्रोडक्ट टू प्रेजेंट है, तो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट भी हम उस जहाँ पे कि आज अवेलेबल नहीं है, हम लेके जाना चाहते थे, उसी अपने डायरेक्शन के अंदर, उसी विजन के ऊपर हमने ये सोचा है कि हम अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल तीनों पूरा करेंगे। तो आज जो आपने बोला कि प्रोडक्ट्स जो है, हम हर तरह के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, हमारे पास प्योर इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं। ओके। और प्योर इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप सारे हैं, और हम हाइब्रिड भी लेकर आए, प्रोडक्ट दो हाइब्रिड प्रोडक्ट लेकर आए, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट जो है उसका नाम है महिंद्रा धन संचय इक्विटी सेवर। ओके। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर की 40-60% के अंदर हम इक्विटी रखते हैं। ओके। हम आर्बिट्राज यूज करते हैं टैक्स के लिए, और बाकी डेट, तो बैलेंस कैटेगरी हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि आपकी इक्विटी की और डेट की स्टेबिलिटी और इक्विटी की ग्रोथ दोनों साइड हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हाइब्रिड जो प्रोडक्ट है हमारा, उसके अंदर भी 65-80% इक्विटी, बाकी डेट हम निवेश कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हैं, हम हर तरह के प्रोडक्ट्स आज हम तैयार कर रहे हैं कि हम हर तरह के सेगमेंट क्रिएट कर पाएँ, लेकिन प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ हैं थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी नॉलेज भी होनी जरूरी, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर आज जो हम बात कर रहे हैं कि आज जो हमारे मध्य शहर हैं, हमारे जो गांव हैं, वहां पे प्रोडक्ट्स गए ही नहीं है। एकदम सही बात। जैसे ही आगे बढ़ेंगे और जैसे, और ये हमको लगता है कि जिस ये जो अगले 10 साल हैं, जहाँ पे हम जहाँ की अपनी गवर्नमेंट ने अभी विजन दी है कि हम $3 trillion से $5 trillion जाना चाहते हैं, अगर हम ये उम्मीद करें कि अगले 10 सालों में हम करीबन $7-8 trillion जा रहे हैं,
तो जितना काम हमारे 70-72 सालों में हुआ है वो यहाँ हो जाए, इससे ज्यादा होने की उम्मीद है। मनी फ्लो भी बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा फ्लो होगा। और अगर आज आप देखो बैंक डिपॉजिट्स के अगर आप नेवी काफिले देखो तो इन इन जगहों में उतनी ही संभावना अपनी अपॉर्चुनिटी है, और इनको फिर वंचित क्यों रखा जाए। तो हम दोनों तरफ की हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, प्रोडक्ट लेके जाने हैं मगर अवेयरनेस भी लेके जानी है। और यहाँ पे एक जो ज़रूरत है मैन्युफैक्चर, हम तो मैन्युफैक्चर करते हैं, हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा सर, अगर मैं बात करूं तो पहली चीज़ प्रोडक्ट पे तो हम आएंगे टैक्स और करंट सिनारियों पे, लेकिन उसके पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं अगले साल की अगर बात करूं तो जो हमारी इंडिया है जो 5 ट्रिलियन आपने बताया, एक तो यंगेस्ट कंट्री हो जाएगी, यानी कि नए लोग आएंगे, नए के साथ दिक्कत क्या है कि बड़े उतावले हैं, अगर मैं उसको उतावले की को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उनके पास समय बहुत कम है, उनके पास समय का अभाव है। तो मेरा जो आपसे अब क्वेश्चन ये है कि जब अगला साल जब देश उस तरह से बढ़ेगा और लगभग 600 मिलियन डेटा आ रहा है कि नए यूज़र भी मार्केट में आएंगे, तो सर उनके लिए प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या होगी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, क्या जब प्रोडक्ट परचेज करें तो एज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं है? तो देखिए प्रोडक्ट ऑफरिंग जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, प्रोडक्ट ऑफरिंग सारे ही रहेंगे जी, उसके साथ अवेयरनेस भी लाएंगे जी। लेकिन मैं ये जो आपको जवाब जो आपका क्वेश्चन है कि एज के साथ में प्रोडक्ट ऑफरिंग, हमारा जर्नी ये मानना है कि जितनी पॉपुलेशन जो यंगर पॉपुलेशन है, जैसे आपने कहा 25 से 30, हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि 30 साल का कोई निवेशक हमारे यहाँ आ रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास ज़्यादा समय है लंबा होल्ड करने का। समय लीजिए, अगर उसके अगले 25-30 साल उसने और काम करना है, तो जनरली एक हम थंब रूल कहते हैं कि आपकी जो उम्र है जी, उसको 100 से कम कर दीजिए, यानी कि 100 - 30 = 70, तो आपका एक एवरेज रूल हो जाता है कि 70% आप इक्विटी में रखो। मैं जनरली उम्मीद जताऊँगा, फिर भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समझ के करें तो कुछ चीज़ें हम उस प्लान कर सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा रिस्क लेके भी रिटर्न अगर हम कमा पाएँ जी, मगर एट द सेम टाइम मार्केट के अलग अलग साइकिल्स होते हैं, डेट चलता है, इक्विटी चलता है, तो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बहुत सटीक बैठते हैं वहाँ पे जी उसके अंदर। लेकिन और दूसरी बात, अगर उम्र ज़्यादा है तो आप उस गोल के करीब हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके रिटायरमेंट के अंदर, तो रिटायरमेंट के तरफ हम जनरली ये सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा इक्विटी रिड्यूस करिए, क्योंकि आपको फंड एक्युमुलेशन की जगह फंड से आपको रिटर्न वापस चाहिए, पोस्ट रिटायरमेंट एक तरह का कुछ चाहिए उनको जी, तो यू शुड गो मोर इनटू डेट और हाइब्रिड, इक्विटी का एक एलोकेशन आप पोर्शन रख सकते हो। ठीक है, तो अब मेरा एक और इसी पे क्वेश्चन है सर, कि अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, मार्केट तो अप जा रहा है लेकिन ओवरऑल मैं देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है, उस सिनारियो में दो कंडीशन, एक मैं जिस एज में हूँ और एक आप जिस एज में हैं सर, अब मेरे लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि देखने वाला जो हमारा व्यूअर सब लोग हैं, तो मुझे दोनों के एंगल से अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या रिस्क स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मुझे क्या प्रोडक्ट शिफ्ट करना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो को रीमैप करना चाहिए? तो हिमांशु जी, मैं यहाँ जता रहा हूँ कि आपकी उम्र मेरे से कम है ताकि लोग जो सीख रहे हैं वो क्लियर हो जाए जी। देखिए, एक जो समझ के करता है, अगर आपको नॉलेज है तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग खुद कर सकते हैं रिक्रूटिंग के ऊपर, ठीक है, बट जनरली थंब रूल अभी भी चेंज नहीं होता है कि जितनी आपकी एज बढ़ती है आप इक्विटी में एलोकेशन कम कर सकते हो जी। मगर जो आपने प्रश्न पूछा है वो ये है कि आपने कहा कि 1-2 साल के हिसाब से, तो मार्केट के साइकिल्स होते हैं, ठीक है, तो साइकिल के हिसाब से भी हम वैल्यूएशन उसमें पकड़ते हैं। अगर वैल्यूएशन आपके फेवर में है और हम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो और अगर आप समझ के थोड़ी रिस्क लो तो इक्विटी और हाइब्रिड इस समय हम सबको सजेस्ट कर रहे हैं इक्विटी हाइब्रिड के अंदर निवेश करिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है उनके फेवर में है, ठीक है, और क्योंकि अभी आपने सही कहा, पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों में करीबन 20-22 महीनों में थोड़ा करेक्शन रहा है बाजार में, स्पेशली मिड स्मॉल कैप में ज़्यादा करेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो जैसे ही हमारी इकोनॉमी उभरेगी, क्योंकि अभी इकोनॉमी 5% के हिसाब से चल रही है, जो 7 पे थी दो साल पहले, अगर वो जितनी ऊपर बढ़ेगी, जो आंकड़े ऊपर बढ़ेंगे वही कैपिटल मार्केट्स के अंदर, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे म्यूचुअल फंड दर्शाएंगे, और हमारे उम्मीद जताते हैं कि जैसे वो नंबर बढ़ेंगे तो हमारी भी परफॉर्मेंस उसके अंदर सामने उभर के आए। तो एक समय होता है, अगर हम समझ के करें तो थोड़ा रिस्क लेने का, ऑफ कोर्स मैं रिस्क रिटर्न दोनों साथ कर रहा हूँ, मैं दोनों लिंक करूँगा, मगर ब्लाइंडली नहीं करना कुछ, और अगर
अगर अगर सिंपल रूल पकड़ना है तो मेरी एज में मैं 50% इक्विटी रखना चाहूंगा, कुछ हाइब्रिड, बाकी डेट। ठीक है, जितनी मेरी उम्र बढ़ेगी मैं इक्विटी से थोड़ी एलोकेशन करके हाइब्रिड बढ़ा के और थोड़ी डेट साइड बढ़ा के। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी थोड़े से ज्यादा एज में है या जो रिस्क लेना, मैं उनको कहूँ जो रिस्क लेना ना जाए उनके लिए हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो, ज्यादा जहाँ पे वो सेफ भी रहेंगे और करेक्शन की जरूरत। अब मुझे एक चीज और बताएं सर कि अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर कर रहा हूँ, मुझे कौन कौन से ऐसी बातें ध्यान रखनी चाहिए अगर मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर बहुत बड़े नंबर में आने वाले हैं, तो क्या मेरे पास क्या कोई थंब रूल होना चाहिए या किसी से एडवाइस? तो ठीक है, लेकिन क्या उस एडवाइस को चेक करने का कोई मेथडोलॉजी या कोई फॉर्मूला या कोई पॉइंट आप बताना चाहेंगे? जी, ये मैं जो आपका जवाब दे रहा हूँ ये मैं थोड़े अपने तजुर्बे के ऊपर जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हमने भी पिछले 25 सालों में जो मार्केट से हम भी कभी इसी तरह के निवेशक थे, हम इस मार्केट में आ गए हैं तो हमारे इन्फॉर्मेशन फ्लो जारी आ गई है। जी जी। तो आज नए निवेशकों को मेरी सलाह ये रहेगी कि हमको बेसिक एक नॉलेज हम जरूर रखें, लेकिन पैसा बनाने के लिए एक नॉलेज होती है, नॉलेज से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमारा बिहेवियर काउंट करता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमको कैसा उसके अंदर निवेश कितनी देर के लिए करना है, हमको कितनी रिस्क लेना है, कितनी रिस्क लेनी है, और उससे भी ज़्यादा जब अगर कभी, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट्स है, कई बार उतार चढ़ाव रहता है, अगर अगर हमको जब चढ़ती है बाजार, जब बाजार चढ़ता है तो हमको बहुत बेनिफिट लगते हैं हमको उस, लेकिन जब करेक्शन मोड में होता है बाजार तो कई बार इन्वेस्टर मचल जाता है कि मैं निकल जाऊँ। जी जी। उसको समझना पड़ेगा साइकिल से, तो वो साइकिल कई बार थोड़े 2-3 साल के साइकिल होते हैं, आप पूरे साइकिल प्ले आउट करोगे तो आपके एवरेज रिटर्न, जो मैं सेंसस की बात कर रहा हूँ, सेंसस पर एवरेज रिटर्न 14-17% के बीच में रही है। जी। अगर आप 5-7 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो हमको समय समझ के आना है, प्रोडक्ट समझ के आने, बाकी मेरी अंत में यह दरख्वास्त रहेगी कि आर्थिक सलाहकार से जरूर कन्वर्सेशन करनी है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। सही बात है। के अंदर हमको अपने बिहेवियर के ऊपर और आर्थिक सलाहकार जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपकी प्रोफाइलिंग करके प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सलाह देगा के अंदर, और हम और क्योंकि आपने आपने यंग पॉपुलेशन और आपने सेमी अर्बन रूरल दोनों की बात की, और यहाँ से बहुत, और ये सही बात है, आप जो आपका विचार सही है कि और भी इन्वेस्टर उभर के आएंगे, क्योंकि आज पिछले 3-4 सालों में अगली टाउन्स यानी कि सेमी अर्बन रूरल से हमारे इंक्रीमेंटल इन्वेस्टर ज़्यादा आए हैं इस म्यूचुअल फंड। सही बात है। और हम ये हम और सेम चीज़ हम पकड़ते हैं, ट्रेंड फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, तो एक समय लेके आइए, ये स्पेकुलेटिव बाजार में इसको स्पेकुलेशन के हिसाब से मत नहीं देखना कि अपॉर्चुनिटी है लगा हम इन्वेस्ट करें निकल जाएं, अल्टीमेटली साइकिल जो है लॉन्ग एवरेज रिटर्न जो है वो एक रेंज में रहती है, उन रिटर्न्स के बारे जानिए, हाइब्रिड इक्विटी के रिटर्न्स हम मैक्रो पे हम उसको रिटर्न्स हम समझेंगे, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या समझना लेना है वो आर्थिक सलाहकार यानी कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने सब चीज़ पूछा, टैक्स को लेके मेरी अभी एक क्वेश्चन रह गई, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो इनकम टैक्स नंबर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि लोग ATC में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। तो अभी तक तो हमने एक सिंपल बात की कि किस तरह से इन्वेस्ट करें, मुझे ये बताएं कि अब मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे दो पॉइंट, मैं हमेशा इस चीज़ पर फोकस रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट को हम एक ROI की तरह देखें, रादर कि मैं ये ना देखूं कि मुझे इनकम टैक्स में इन्वेस्ट करना है, मैंने कहीं करके अपना टैक्स सेव कर लिया। जी। अगर मैं उस स्ट्रैटेजी से आपकी बात करूं कि अगर मुझे 1.5 लाख रुपए निवेश करने हैं और मैं चाहता हूं कि ELS में या किसी भी उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में लगाऊं जो जिसको आप म्यूचुअल फंड भी हम कह सकते हैं, तो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में लगाने चाहिए जिससे कि मुझे टैक्स का भी बेनिफिट हो, साथ के साथ मुझे एक अच्छा ROI भी है, तो उस तरह से मुझे किस पॉइंट को ध्यान में रख के मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, तो हिमांशु जी, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक प्रोडक्ट है जिसको कि हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं। जी। जो ATC टैक्स प्लानिंग के अंदर आता है। जी। तो इक्विटी की जो जनरली ये मल्टी कैप फंड रहता है, यानी कि इसके अंदर निवेश लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो लार्ज और मिड कैप की तरफ रहते हैं, तो एवरेज में जो अभी तक रिटर्न देखे गए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, रिटर्न जो है जी, वो रिलेटिवली बाकी प्रोडक्ट से बराबर ही अच्छे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ बेनिफिट जो आता है वो ये है कि जो इस प्रोडक्ट को टैक्स के रूप से देख रहा है कि ATC के हिसाब से मेरे को निवेश करना है, वो ऑलरेडी टैक्सेबल स्लैब में है। जी। तो इसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं और आज के टैक्स के रेट के हिसाब से अगर एक साल के बाद
यानी कि ये 3 साल का प्रोडक्ट, ये जो है 3 साल का लॉक इन प्रोडक्ट है, या 3 साल के बाद जब आप अगर आप निकालते हैं या उसके बाद जितनी भी आप लंबी अवधि के लिए रखिए अगर निकालेंगे तो आपका टैक्स रेट सिर्फ 10% रहेगा इस प्रोडक्ट के, क्योंकि इक्विटी प्रोडक्ट है। तो इसके अगेंस्ट आप कहीं भी और इन्वेस्ट करिए तो आपके आपके मार्जिनल टैक्स रेट यानी कि जिस टैक्स रेट के अंदर है उस उसके बराबर आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई और ऑप्शन लें तो आपको वहाँ से रिटर्न आए ना आए आपको अपना अपना टैक्स अक्रूअल बेसिस भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पैसा कंपाउंड होता है जी, उसके अंदर प्री टैक्स कंपाउंड होता है। और जब आप निवेश निकाल टैक्स बेनिफिट ATC के बराबर सबके बाकी प्रोडक्ट्स के बराबर है, और जब आप पैसा निकालेंगे तो आपका इनकम टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी भी बहुत लो है। तो कहने का मतलब कि मोटा मोटी आप दोनों तरफ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है, टैक्स सेविंग के लिए भी अच्छा। हाँ जी। अब एक लास्ट और मैं जोड़ दूं जी, आपका कोई ELS है या नहीं है सर? बिल्कुल है सर, हमारे ELSS का जो नाम है वो है महिंद्रा कर बचत योजना। ओके। उसके अंदर तो बड़ा यूनिक नाम है क्योंकि उसका नाम ही कर बचत है, और बहुत लोग कई बार इनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर जो है कर का मतलब ही आपकी टैक्स होता है अंदर, तो आपकी आय यानी इनकम के ऊपर टैक्स देना है, तो उसी हिसाब से हमने नाम रखा है। और मैं आपको, आपने जो थोड़ी देर पहले आपने रोल सेमी अर्बन की बात की, तो मैं ये एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने नाम प्रोडक्ट्स रखे हैं, हमने हाइब्रिड नाम रखे हैं कई बार, और ऐसे भी नाम रखे हैं कि जब हमारे शहर वाले तो हमारे प्रोडक्ट समझ ही जाएंगे, लोकल लोग हैं, जब सेमी अर्बन रूरल जाएंगे तो प्रोडक्ट के नाम के साथ प्रोडक्ट की मार्केटिंग के साथ भी वो कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महिंद्रा कर बचत योजना, या फिर हमारा जो लार्ज कैप फंड है उसका नाम है महिंद्रा प्रगति ब्लू चिप योजना। मतलब आपने नाम बहुत क्लियर दिया जिससे कि लोग उससे कनेक्ट भी और समझ भी पाए। जी हाँ जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना टाइम देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जो ये योजना है टॉप 250 वो अच्छे से राइज करे और लोगों तक ये। थैंक यू मंशु जी, और थैंक यू फॉर इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू।